प्रॉपर पहले सबसे पहले आप जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एक बार आप आ गए तो फिर आपको अपने कंसंट्रेशन को कहीं भी ब्रेक नहीं होने देना है जी, क्योंकि रिदम बनने में टाइम लगता है। बिल्कुल। और 15 मिनट आपको दिया क्यों गया है कि पेपर आप पढ़ें और पढ़ के एकदम माइंड में सारी ग्राफिंग क्लियर करें। आप कहां से आपको स्टार्ट लेना है, टाइम को प्रीशियसली आपको यूज करना है, क्योंकि वो आपको सप्लीमेंट टाइम मिल रहा है, एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, गोल्डन टाइम आपको मिल रहा है। तो आपको प्लानिंग करनी है साजिद साहब, पेपर एक बार गॉन थ्रू करना है, जो क्वेश्चन सबसे बेस्ट आपको लगता है कि प्रेजेंट कर सकते हैं वहां से आपको शुरू करना है। और ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है शुरुआती दौर में कि किसी क्वेश्चन को आपने पढ़ा, हो सकता है उस वक्त आप उसके आंसर मिस कर रहे हो, लेकिन जैसे ही 2-3 क्वेश्चन आपने ठीक से प्रेजेंट किया, अपने आप उस क्वेश्चन का भी आंसर आपको डायरेक्शन में काम करने लगता करने लगता है। तो कभी भी शुरुआत करनी हो पेपर की तो हमेशा उस क्वेश्चन से करें जिस क्वेश्चन पे आपका पूरा ग्रिप हो, ताकि कटिंग कम हो, टाइम आपका सेव हो, प्रेजेंटेशन आपकी प्रॉपर हो, जो क्वेश्चन में मांगा जा रहा है वो आप आराम से लिख सकें। क्योंकि टीचर जब आप पेपर ओपन करता है, नोट जब आपके आंसर शीट को ओपन करता है और पहले ही उसको कटिंग दिखनी शुरू हो गई या ऐसी बातें दिखनी शुरू हो गई क्वेश्चन के आंसर में जो इररिलेवेंट है, क्वेश्चन से अटैच नहीं है, तो फिर जो एग्जामिनर होगा वो उतने अटेंटिव माइंड से आपका हो सकता है कॉपी चेक ना कर पाए, जिसका खामियाजा आपको कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है। हमेशा स्ट्रैटेजिक 15 मिनट आपको लगाना है और ठीक से आंसर को एकदम प्रॉपर वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करना है।